मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने हमारे परिवार हैं, सभी लोगों को परमेश्वर की महिमा करता हूं। परमेश्वर भला परमेश्वर है। दूसरे महीने फरवरी महीने के 8वें तारीख में परमेश्वर ने जो आपके लिए अद्भुत सा वचन रखा है, निश्चय रूप से आप उसे सुनकर आनंद पाओगे और परमेश्वर आपको आशीषों से भरपूर करेगा। वो वचन क्या है? परमेश्वर के वचन समय से जरा देखते हैं। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों की पत्री 2:13 जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातें में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। पवित्र आत्मा की द्वारा सिखाई हुई बातों में, साधारण से हिंदी में बताया जाए तो हम मनुष्यों के ज्ञान से नहीं सिखाते, बल्कि पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बताता है। पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाई हुई, तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो सीख हमें सिखाता है वो हम बताते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा बताता हूं, हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा कौन है? सिखाने वाला परमेश्वर है, हमें सिखाता है। टीचिंग बहुत ही जरूर है, बहुत ही जरूरी है आज विश्वासियों के लिए। आज आपको सिखाना चाहिए। सत्य के वचन अद्भुत से हैं। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, बहुत ही भयंकर दुनिया है, बहुत ही बुरी दुनिया है। आज एक बात बताएंगे, कल एक बात बताएंगे, परसों एक बात बताएंगे। बहुत सारे दुरुपदेश इन आखिरी दिनों में आ रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो चुने हुए हैं वे भी आजकल जो है धोखे में पड़ जाते हैं। तो वचन के द्वारा हमें अच्छी सीख मिलनी चाहिए। इसीलिए जो भजन संहिता 32:8 में बताता है, मैं तुझे सिखाऊंगा और जिन रास्तों में तू जाए वो बातें मैं तुम्हें सिखाऊंगा। परमेश्वर कहता, आई विल टीच यू, आई विल इंस्ट्रक्ट यू, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे इंस्ट्रक्शन दूंगा। तो इन आखिरी दिनों में हमें क्या करना चाहिए? हे परमेश्वर, प्रतिदिन मुझे सिखा, मैं इसे करूं क्या? हे प्रभु परमेश्वर, मनुष्यों से मैंने पूछ लिया है, आप क्या बताते हो? तू हमें सिखा, तेरे आलोचना बहुत बड़ी है, तेरी आलोचना को मैं आदर करता हूं। अपने आप को तेरे पथों पे, तेरे चरणों में अपने आप को सरेंडर कर देता हूं। तब क्या होगा कि वह आपको अद्भुत रीति से चलाएगा। हे परमेश्वर के लोगों, हे परमेश्वर, जो तेरे नजरों में प्रिय है उसे करने के लिए तू मेरी सहायता कर। भजन संहिता 143:10 में वो कहता है, दाऊद कहता है कि जो तेरी नजरों में प्रिय है उसे करने लायक तू मेरी सहायता कर। हे परमेश्वर, जो तेरे नजरों में प्रिय है, तो इन आखिरी दिनों में हम आ गए हैं, तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ चलने में कोई समस्या नहीं होगी। यही परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा था कि मैं तो आपसे बताऊं। प्रार्थना करें, समर्पित करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। धन्यवाद देकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से, हे पवित्र आत्मा, तू हमें सिखाता है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 2:13 में हमने पढ़ा, तेरे बच्चों को तू सिखा। बिल्कुल धोखे में दुरुपदेश देने वाले उपदेश बहुत सारे आ गए हैं। हे परमेश्वर, मेरे बच्चों को तू ज्ञान से भरपूर कर, दैविक ज्ञान से भरपूर कर, दैविक सुरक्षा और दैविक शांति बने रहे। तेरे बच्चे अच्छी तरह सिखाए जाएं, परमेश्वर के द्वारा वो सिखाए जाएं। तेरे वचन के अनुसार मैं तेरे बच्चों को आशीष से भरपूर करता हूँ। मेरे भाई बहन इन दिनों में जो है पूरी तरह से अपनी जिंदगी को जिए, दैविक आनंद और हर्ष से भर जाए, तृप्त होए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमेन। बहुत ही अद्भुत सा वचन है ना, दूसरों को जरूर शेयर करें।
हिंदी भाषा में बोलने वाले सभी लोग सबको सिखाएं, सबको बताएं, शेयर करें, एक बहुत बड़ा जागरण की अपेक्षा करते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542636। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।